Sri Praveen Rashtrapal ji. Thank you very much, Deputy Chairman, sir. I take this opportunity to point out certain things about Indian Railways. As my brother from Gujarat started with a shayari, I also thought I must also tell one shayari of Sahil Ludhianvi. Shayari. Shayari. He is from Punjab and left Punjab for cinema industries in Bombay. But after some time he was to go to Agra by train. So he wanted to meet one of his girlfriend who was studying with him. So he requested, I am coming to Agra, you meet me somewhere. So naturally that friend said that you can meet me near Taj Mahal Hotel. So Sahil Sahib ne kya jawab diya? Meri mehboob kahin aur mila kar mujhse. Meri mehboob kahin aur mila kar mujhse. Bal mein shahi mein garibon ka guzar kya mani. Ye jamanjar, ye jamna ka kinara, ye mahal. Kisi shehnshah ne daulat ka sahara lekar hum garibon ki mohabbat ka udaya hai majaa. To phir woh behan ne bola ke milu kahan? To bola main rail se aata raha hu, to railway station ke retiring room mein mujhe milna. इन बातों के साथ में मुझे रेल के बारे में ये बताना है कि रेलवे में हाईएस्ट एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लेकिन हमारे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से हाईएस्ट बैकलॉग वैकेंसीज आर आल्सो इन रेलवे. एंड इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, 42,000 बैकलॉग वैकेंसीज आर देयर इंडियन रेलवे. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल MOS of railway that he should verify the fact. In fact, I have also written letter to Honorable Railway Minister Mr. Prabhu to get me the exact number of backlog vacancies in railways. His answer is he is looking into the matter. This is not a proper reply. 3 months ho gaye, abhi tak mere patr ka unhone uttar nahi diya hai. He may please be requested to give the exact बैकलॉग वैकेंसीज इन इंडियन रेलवे. ये जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन है साहब, वो जोन और डिवीजन में बांटा गया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन. और डिवीजन है तो शहरों का नाम है, जैसे राजकोट डिवीजन है, भावनगर डिवीजन है, बम्बई डिवीजन है. अभी हमारा गुजरात स्टेट से जब तक मामला है, राजस्थान और गुजरात जुड़े हुए हैं, तो इतना बड़ा इलाका है, लेकिन हमारा जो जोनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? बम्बई में. मैं सवाल पूछता हूँ कि गुजरात राज्य और राजस्थान में जो रेल चल रही है उसके कारोबार के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या गुजरात और राजस्थान के नागरिकों ने या और कोई व्यापारी वर्ग के लोगों ने क्या बम्बई जाना चाहिए? व्हाई दैट ऑफिस कैन नॉट बी इन गुजरात इटसेल्फ और राजस्थान? ये मेरा पहला सवाल है. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोनल ऑफिसर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान मे बी शिफ्टेड टू समवेयर इन गुजरात और राजस्थान. ऐसा ही जो डिवीजन का भी सवाल है, उसमें भी बम्बई डिवीजन, बम्बई शहर में 2 डिवीजन का ऑफिस है, साउथ का ऑफिस भी वहाँ है, वेस्ट जोन का भी ऑफिस है. वो गलत तरीका है, वो करना चाहिए. हमारे गुजरात स्टेट में सबसे ज्यादा मीटर गेज रेलवे लाइन से. मैं इस मौके पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजरात में जो मीटर गेज का कन्वर्जन का काम चल रहा है वो जल्दी से पूरा किया जाए. हमारे गुजरात में पाटन शहर है जो सिद्धराज सोलंकी ने बनाया था, वो पाटन शहर राजकोट से एक नदी पार करो वो बाजू चले जाओ तो राजस्थान आ जाता है. तो गुजरात में पाटन और वहाँ पे भिलड़ी, वो पाटन भिलड़ी की रेलवे लाइन अगर बन जाए तो वो काम हो सकता है. कितने सालों से वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है. तो मैं मंत्री जी से विनती करता हूँ कि पाटन भिलड़ी रेलवे लाइन के बारे में जल्दी से डिसीजन लिया जाए. ऐसा जो अहमदाबाद शहर है,
तो अहमदाबाद तो एक शहर है, लेकिन वहाँ पे रेलवे स्टेशन एक नहीं है। अहमदाबाद शहर के आजू बाजू और ये पूरा इसके अंदर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, कालूपुर रेलवे स्टेशन है, मणिनगर रेलवे स्टेशन है, असारवा रेलवे स्टेशन है, साबरमती रेलवे स्टेशन है, गांधीग्राम रेलवे स्टेशन है, ये सभी शहर अहमदाबाद के अंदर ही है। तो बम्बई से सभी जो ट्रेन आती है तो मेन स्टेशन आने के पहले एक स्टेशन आता है मणिनगर, वहाँ वो सब बम्बई की ट्रेनों का हॉल्ट देना चाहिए ताकि 5 मिनट के अंदर 50% ऑफ द पैसेंजर कैन गेट डाउन एट मणिनगर एंड गो टू देयर रेसिडेंशियल एरिया। ऐसे नॉर्थ से जो ट्रेन आती है दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया से, उसमें जब अहमदाबाद शहर नज़दीक आता है तो वो बाजू जो शहर है, वो बाजू जो स्टेशन है उसका नाम साबरमती रेलवे स्टेशन है, अगर वहाँ पे गाड़ी को रोक दिया जाए तो वहाँ भी 50% पैसेंजर कैन गेट डाउन एंड गो टू देयर नियरेस्ट स्टेशन। एक दूसरी बात जो हमारे एक साथी ने बताई कि रेलवे मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया था उसकी वजह से प्रेस में ऐसा आया है कि रेलवे इज लाइकली टू गो टू प्राइवेटाइजेशन, वेरी रिस्की एंड वी डोंट एक्सेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट है पूरे जमाने से, रेलवे एंड PNT। रेलवे एंड PNT आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट एंड फुल मोनोपोली शुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द रेलवे। मैं ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जो आज से 50-100 साल पहले गुजरात में अनटचेबल माने जाते थे। रेलवे इज द ओनली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिसने देश को यूनाइटेड किया। एक आदमी जब रेल में बैठता है तो अनटचेबिलिटी भूल जाता है, कभी एक ही डब्बे में सभी को बैठने का अधिकार मिलता था, पहले ऐसा नहीं था, बस में भी नहीं बैठने देते थे। तो रेलवे कैन नॉट बी प्राइवेटाइज, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो एक अहमदाबाद के अगल बगल में मैंने बताया ये जो 5 स्टेशन है वो सभी स्टेशनों का उद्धार होना है, सिर्फ अहमदाबाद स्टेशन को साफ रखो, अहमदाबाद का ये रोशनी करो, लाइट डालो, पूरा कवर करो विंटर के लिए, रेनी सीजन के लिए, और बाकी के जो छोटे मोटे स्टेशन है, गांधीग्राम है, मणिनगर है, साबरमती है, उसका आप साफ सफाई नहीं करोगे तो ये अहमदाबाद को अन्याय होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है। और दूसरा एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि टॉयलेट ब्लॉक का कोई प्रबंध रेलवे नहीं करती है रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म है भाई साहब, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म कितने हैं? 10 है, और टॉयलेट ब्लॉक सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे है। नहीं मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ भाई साहब, एक ही और वो भी एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो बीच में क्यों नहीं रखते है? तो मतलब बीच में गंदगी होगी, गंदगी कैसे होगी? बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन होती है हर एक लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म के लिए बीच में टॉयलेट ब्लॉक होता है, नॉट एट द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि छोटा है लेकिन बहुत ही महत्व का, एक आदमी 5 नंबर के रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसकी बना रहे वो करे तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इन सारी बातों के साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जमाने में हमारे साथी जॉर्ज फर्नांडीज है, उन्होंने रेलवे का बहुत बड़ा हड़ताल किया था, हमने उसमें हिस्सा लिया था। वो रेलवे का हड़ताल था, वो वेज अर्नर के लिए नहीं था, लेकिन रेल में काम करते करते हमारे के रेलवे के कर्मचारी विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, खुले में काम करते हैं, न उनको छाता मिलता है, न गर्म कपड़े मिलते हैं, न शूज मिलता है, न क्रॉसिंग पे उनको पूरा मकान मिलता है। तो उनके लिए सुविधा थी और उनकी विडोज को हड़ताल में वो बात भी रखी गई थी कि रेलवे कर्मचारी को विडोज को रेलवे ने जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, उनको हर दूसरे आदमी या इंडस्ट्री के पास जाने का ये नहीं मौका देना चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखा जाए, इतना ही मुझे कहना है। जय हिंद।
धन्यवाद।